पैसा के लिए इतना नीचे इस समय का गायक लोग गिर गया है कि ये लोग समाज का एक नंबर का घिनौना आदमी है। ये जो अभी तत्काल चल रहा है लड़का लड़की का जो ये घिनौना हरकत जो ये सब चल रहा है, ये सब भोजपुरी सिनेमा का देन है। एक घंटा, एक दिन, एक वर्ष का प्यार 20 साल के प्यार को भुला दिया। भोजपुरी सिनेमा में जो दिखाया जाता है हर चीज में प्यार, हर चीज में प्यार, क्या कभी कोई भोजपुरी सिनेमा आप बताइए जो अश्लील नहीं हो? बिल्कुल सभी अश्लील है। क्या गाना में देखिए आप, गाना में इतना अश्लीलता रहता है कि आदमी मैंने क्या बोले, हद पार है, एकदम बिल्कुल हद पार कर जाता है गायक लोग। पैसा के लिए इतना नीचे इस समय का गायक लोग गिर गया है, हीरो हीरोइन गिर गया है, जिसको हीरो और हीरोइन कहते हैं शायद पता नहीं है कि हीरो और हीरोइन का मतलब क्या होता है, अर्थ वास्तविक अर्थ क्या है। अरे हम तो समझते हैं कि जिसको आप लोग हीरो और हीरोइन कहते हैं, हम अपने माँ बहन के साथ कहीं जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ अगर गलत होगा तो क्या कोई हम प्रशासन के तरफ मोड़ करेंगे कि उसकी पहले सुरक्षा करने का कोशिश करेंगे? और अपने माँ बहन के इज्जत को बचाने के लिए अगर किसी को मारना भी पड़ेगा तो क्या हम चूक जाएंगे? अरे आपको लगता है कि इस समय का प्रशासन हमको ये दे देगा, न्याय दे देगा? नहीं, अपनी सुरक्षा अपना एकदम जरूरी है। वो लोगों ने जो अपने संस्कृति और संस्कार को बचाने का काम किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। हाँ, तरीका थोड़ा सा गड़बड़ जरूर हुआ है, लेकिन उसने जो किया है थोड़ा सा सहूलियत से करना चाहिए था, उसको पकड़ करके सामाजिकता के आधार पर। यानी कि आप भी मानते हैं कि आरती का परिवार उनको मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़ता, एक पंचायत लेवल पे जो भी होता सामाजिकता अनुसार उसको न्याय दिलाता, जो भी हो अपना डिसीजन लेता, ऐसा दंड देता लोग मिल करके, ऐसा दंड वैसे व्यक्ति को देना चाहिए ताकि उससे जो है कि देखिए ये भी एक दंड ही है, लेकिन जहाँ तक उसमें हमको वीडियो देखने के बाद लगा है, जो करंट वाली समस्या आई है, देखिए भागने के दौरान में मारा नहीं गया है उसको, हमको जैसा कि देखने में लगता है, मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन देखने में जो लगा है उसको मारा नहीं गया है। मार पीट के दौरान वह लड़का जब भागा है ना, तो तार टूटा है और उसके माथे पर लग गया है, और तार में एक बिजली होने के वजह से करंट लगा, ऐसा महसूस हो रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पटना की महिला विकास मंच के जो महिला समूह हैं, उन्होंने निर्भया हत्या कांड के सबसे, यानी कि भारत के सबसे बड़ा वकील कहा जाता है सीमा कुशवाहा, अब वो इस आरती छोटू प्रेम में एक नया मोड़ आया है कि इस महिला मंच, पटना की महिला विकास मंच इस मोड़ में आएगी और आरती को न्याय दिलाएगी। तो क्या लगता है कि सीमा कुशवाहा वकील जो है, लॉयर हैं, क्या इस केस में उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपने बोला कि गलत दोनों हैं, बालिका मेजर है, दोनों डिसीजन गलत दिया, अपने माँ बाप के खिलाफ गया, अपने माँ बाप की इज्जत को उछाला, तो क्या इसमें सीमा कुशवाहा का आना कितना सही और कितना गलत होगा? देखिए, जो आदमी 20 वर्ष परवरिश किया, एक घंटा, एक दिन, एक वर्ष का प्यार 20 साल के प्यार को भुला दिया, उसका भूलना, 20 साल के प्यार को भूलना सबसे बड़ी गलती है। दूसरी नंबर बात, सीमा कुशवाहा जी आ रही हैं, अगर आएंगी तो मुझे भरोसा है कि एक महिला है, तो लोगों में ये हो रहा है कि महिला के तरफ से वो कुछ करेगी, ऐसा नहीं है। महिला है तो उनके पास भी पुत्र होगा, भाई होगा, बाप होगा, वो भी इसी संस्कृति और संस्कार में पली बढ़ी है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले भारत के संस्कृति और संस्कार को ध्यान में रखते हुए इस लड़ाई को लड़े, और जो दोषी है उसको सजा दिलाए।
धन्यवाद मुखिया जी छोटू और आरती पे बेबाकी से अपना राय रखने के लिए, अपनी प्रस्ताव रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि भारत की जनता, बिहार की जनता, अररिया की जनता और रानीगंज की जनता और वहाँ के थाना प्रशासन सही डिसीजन लेंगे और जो दोषी हैं उनको सजा देंगे। बाकी आप देख रहे थे सानिज, मैं हूँ एलबिसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।